डियर स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 14.3, इसके अंदर हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन ये बनाने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का डाटा दिया हुआ आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन में फीमेल फर्टिलिटी रेट है 31.8, न्यू रो के अंदर ये है, इंजरी के अंदर ये है 12.4, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसका हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली, मीन्स बार ग्राफ बनाना है। तो बार ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, दो एक्सिस लेंगे, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में हमारा ये डाटा होगा, वाई एक्सिस में फीमेल फर्टिलिटी रेट होगा। तो ये कैसे करना है आपने, तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लिए कितना दे रखा है यहाँ पे 31.8। तो सबसे पहले इसमें डाटा हम 5-5 की रेंज में ले लेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो रिप्रोडक्टिव में दे रखा है 31.8, तो ये ले लिया। बच्चों सबसे पहले बार ग्राफ ध्यान रखना है, जितना ये गैप छोड़ रहे हो उतने ही ये होना चाहिए, फिर उतना ही गैप, फिर नेक्स्ट, फिर उतना ही गैप, फिर नेक्स्ट। तो रिप्रोडक्टिव का कितना है 13.8, फिर गैप छोड़ दिया, न्यूरो कंडीशन क्या है 35.4, तो ये बना दिया। इंजूरिया कितना 12.4 ये बना दिया, कार्डियो कितना 4.3 ये बना दिया, और अदर रेस्पिरेटरी का कितना 4.1 ये बना दिया, और अदर केज कितना है 22.0 ये बना दिया। तो यहाँ पे हमारी ये कंडीशंस आ जाएंगी, यहाँ पे फीमेल फर्टिलिटी रेट आ जाएगा। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स की लेंथ है मेजर्ड करेक्ट 1 मिलीमीटर, ये mm के हिसाब से है। द लेंथ है 180, 118 to 126, 127 to 135, मीन्स इनमें एक का गैप है। सबसे पहले हम इनको क्या करें, कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक का गैप है तो एक का हाफ कितना होगा 0.5, इधर से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनमें से लोअर वैल्यू में, और हाइयर में ऐड कर देंगे, मीन्स 117.5 और यहाँ पे 126.5। तो ये आ गया हमारा कंटिन्यूस में 117.5, 126.5। उसके बाद कितना है 127 to 135 है, तो यहाँ से हम इनमें हाफ सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इनमें हाफ हम ऐड कर देंगे। उसके बाद है नंबर ऑफ लीव्स, ये दिए हुए हैं नंबर ऑफ लीव्स, तो हम यहाँ पे बनाएंगे अब बार ग्राफ। तो यहाँ पे कितना है 117 से स्टार्ट हो रहा है 117 से, तो हम ये लाइन लगा गई और जिग जैग बना देंगे, जिग जैग बना दिया, तो मीन्स इधर हमें पता नहीं कितना है, कितना है तो यहाँ से कितना 117.5, नेक्स्ट 126.5, 135.5, ये चीज़ हो गई हमारी। तो उसी हिसाब से हम नंबर ऑफ लीव्स लेके चलेंगे, यहाँ पे कितना हो गया 3, यहाँ पे कितना हो गया 5, यहाँ पे कितना हो गया 9, यहाँ पे कितना हो गया 12, 5, 4 और 2, ये हो गया हमारा। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बनाना है, रिप्रेजेंट द डाटा बोथ ऑन टीम ऑन सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो यहाँ पे कितना है पहले 1, 6, 7, 12, 13, 18, यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस करेंगे, यहाँ पे लोअर में 0.5 माइनस करेंगे, यहाँ पे 0.5 प्लस करेंगे। तो यहाँ 0.5 से 6.5, 6.5 से 12.5, इस प्रकार से डाटा होगा, ये टीम ए होगी, ये टीम बी होगी। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन देखिए कैसे बनता है, नंबर ऑफ बॉल 0.5, 6.5, 6.5 से 12.5, इनके अंदर हम एक एक्स्ट्रा लेके चलेंगे क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होगा, इन दोनों का मीन, दोनों को जोड़िए, 0.5 और 6.5, 7 का हाफ 3.5, नेक्स्ट को जोड़ेंगे 6.5, 12.5 कितना हो गया 19 का हाफ क्या होगा 9.5। उसके बाद टीम ए 2 स्कोर दे रखा है, स्कोर 2, 1, 8, 9, 4, 5, 6, 10, 6, 2, इसी वजह से टीम बी का। सबसे पहले हम यहाँ करेंगे रन स्कोर और यहाँ पे नंबर ऑफ बॉल, तो नंबर ऑफ बॉल में हम लेके चलेंगे 3.5, 9.5, 15.5, 21.5, ये ले लिया हमने ये डाटा यहाँ वाला। अब टीम ए की बात है 2, 1, 8, तो 3.5 पे 2 हो गया, 9.5 पे 1 हो गया, 15.5 पे कितना हो गया 8 हो गया, 8 होने के बाद फिर कितना दे दिया 9, 4, 5, आगे 9 हो जाएगा, आगे 4 हो जाएगा, आगे 5 हो जाएगा, आगे 6, इस प्रकार से डाटा मिला के सारा टीम ए के पॉइंट को हम यूँ मिला मैच कर देंगे, ये वाला टीम ए का हो गया। लास्ट में टीम ए के लिए कितना 2, 57.5 पे, तो उसको लास्ट में 13.5 पे 0 पे मैच करना है।
इसी प्रकार से टीम बी का कितना है 5, 6, 2, 10 ये हो गया। तो इसी प्रकार से टीम बी के पॉइंट बना के इनको मिला देना है और लास्ट में यहाँ पे 0, ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया। उसके बाद है 9th क्वेश्चन, 100 सरनेम वार रेंडमली पिक्ड फ्रॉम ए लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी। तो इसमें क्या होगा 1 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 12 और 12 to 20। इसमें क्या है जो गैप है वो गैप इक्वल नहीं है, यहाँ पे 3 का हो गया, यहाँ पे 2 का हो गया, यहाँ पे 2 का हो गया, आगे 4 का हो गया, आगे 8 का हो गया, नंबर ऑफ सरनेम। तो इसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ लेटर है ये 1, 4, 4, 6, 6, 8, फ्रीक्वेंसी दे दी इनकी 6, 30, 44, 16, 4। तो विड्थ क्लास मीन्स इनमें गैप 3 का है, 2 का है, 2 का है, 4 का हो गया, यहाँ पे 8 का हो गया। अब हम निकालेंगे हाइट ऑफ रेक्टेंगल, वो क्या होगी, इनमें सबसे पहले मिनिमम देखेंगे विड्थ ऑफ क्लास में, मिनिमम कितना है 2। तो अब ये कैसे निकालेंगे विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, जो फ्रीक्वेंसी है इनटू में मिनिमम और डिवाइड बाय विड्थ ऑफ क्लास। तो 6 मिनिमम कितनी है 2, यहाँ पे 30 मिनिमम कितनी है 2, 44 मिनिमम कितनी है 2, 16 मिनिमम क्या है 2 और 4 मिनिमम क्या है 2 और डिवाइड बाय ये, जैसे इसमें 3 आ गया, इसमें 2 आ गया, इसमें 2 आ गया, इसमें 4 आ गया और आगे 8 आ गया। तो ये आ गई हमारी विड्थ ऑफ क्लास। उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, तो 1 to 4 कितना है 6 ले लेंगे हम, 4 to 6 कितना है 30 ले लेंगे, उसके बाद 6 to 8 कितना है 6, 8 है 44 ले लेंगे, उसके बाद हाइट में ये लेनी है कितनी ऊंचाई तक लेके चलेंगे। तो थैंक यू।